Thank you, President Trump. Thanks a lot. Howdy, my friends. ये जो दृश्य है, ये जो माहौल है, ये अकल्पनीय है। और जब टेक्सास की बात आती है तो हर बात भव्य होनी, विशाल होनी, ये टेक्सास के स्वभाव में है। आज टेक्सास की स्पिरिट यहां भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इस अपार जनसमूह की उपस्थिति केवल एरिथमेटिक तक ही सीमित नहीं है। आज हम यहां एक नई हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं और एक नई केमिस्ट्री भी। एनआरजी की ये एनर्जी भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सिनर्जी की गवाह है। प्रेसिडेंट ट्रंप का यहां आना अमेरिका की महान डेमोक्रेसी के अलग अलग प्रतिनिधियों का, चाहे वो रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो, उनका यहां आना और भारत के लिए, मेरे लिए इतनी प्रशंसा में काफी कुछ कहना, मुझे बहुत शुभकामनाएं देना, स्टेनी हॉयर, सेनेटर कॉर्निन, सेनेटर क्रूज और अन्य साथियों ने जो भारत की प्रगति के बारे में कहा है, जो प्रशंसा की है, वो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का, उनके सामर्थ्य, उनके अचीवमेंट का सम्मान है। ₹130 करोड़ यानी 1.3 बिलियन भारतीयों का ये सम्मान है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा भी बहुत से अमेरिकी मित्र आज यहां इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं हर हिंदुस्तानी की तरफ से सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जगह की कमी के कारण हजारों लोग यहां नहीं आ पाए। जो लोग यहां नहीं आ पाए, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे क्षमा मांगता हूं। मैं ह्यूस्टन टेक्सास प्रशासन को भी, उनकी भी भरी भरी प्रशंसा करूंगा, जिसने 2 दिन पहले अचानक बदले मौसम के बाद
इतने कम समय में हालात को संभाला, व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया और जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे, ये सिद्ध किया कि ह्यूस्टन इज स्ट्रांग। साथियों, इस कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी है। हाउडी मोदी, लेकिन मोदी अकेले कुछ नहीं है। मैं 130 करोड़ भारतीयों के आदेश पर काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं। और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगा सी, बदाज मजामा छे, अंता बागुंदी, एल्ला चिन्ना गिरे, एल्लाम सौकियम। सर्वच्छान चल आए, सब खूब भालो, सबु बल्ला अच्छी। साथियों, हमारे अमेरिकी मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। भारत की कुछ अलग अलग भाषाओं में हमारी लिबरल और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बहुत बड़ी पहचान है। ये हमारी भाषाएं सदियों से हमारे देश में, सैकड़ों भाषाएं, सैकड़ों बोलियां सह अस्तित्व की भावना के साथ आगे बढ़ रही है और आज भी करोड़ों लोगों की मातृभाषा बनी हुई है। और साथियों, सिर्फ भाषा ही नहीं, हमारे देश में अलग अलग पंथ, दर्जनों संप्रदाय, अलग अलग पूजा पद्धतियां, सैकड़ों तरह का अलग अलग क्षेत्रीय खान पान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग मौसम ऋतु चक्र इस धरती को अद्भुत बनाते हैं।